अच्छा जी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर, जिसमें हम डिफरेंट एनालिसिस कर रहे थे डेटा सेट के ऊपर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। और अब हम फर्दर इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि हमारे डेटा सेट के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है और मोस्ट इनफ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है। सो उसको जो है लेट्स राइट सम कोड के हम फाइंड करें द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड इनफ्रीक्वेंट वर्ड इन और डेटा सेट। तो इस काम के लिए हम हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, वर्ड्स और उनके पैरेलल उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बनाएं वर्ड्स की और पैरेलल में उसके साथ एक लिस्ट बनाएं फ्रीक्वेंसीज की। सो इन लिस्ट को हम इन पैरेलल मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे पहला वर्ड आ गया तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर दूसरा वर्ड, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम इन दोनों लिस्ट्स को इन पैरेलल चला सकते हैं और एंड पे जो फ्रीक्वेंसीज वाली लिस्ट है हम उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके करिस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस पे हमें यहाँ पे वो वर्ड्स मिल जाएंगे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट या इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं। तो इस तरह से भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन दो पैरेलल लिस्ट चलाने से बेहतर है कि हम एक डिक्शनरी बना लें। पाइथन में डिक्शनरी ऐसा ही है जैसे हम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम पहले जावास्क्रिप्ट वगैरह में या पीएचपी में एसोसिएटिव एरेज बनाते थे। सो जनरली लिस्ट्स में हमारे पास इंडेक्सेस जो हैं वो जीरो से ऑनवर्ड्स होते हैं, बट वी कैन यूज मीनिंगफुल इंडेक्सेस आल्सो और उसके लिए हमें डिक्शनरीज बनानी पड़ेंगी। सो लेट्स से हम इन दोनों को कंबाइन करके एक डिक्शनरी बनाते हैं और उसको हम नाम देते हैं वर्ड फ्रीक्वेंसीज और वर्ड फ्रैक इन शॉर्ट, और ये एक डिक्शनरी होगी। अब इस डिक्शनरी में की पे हम वर्ड रखेंगे क्योंकि द की इज सपोज टू बी यूनिक, तो मल्टीपल वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज मैच कर सकती हैं। सो इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी को की के ऊपर नहीं रख सकते। सो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर की, और की जो है वो हमारे पास यूनिक वर्ड्स होंगे। सो पहले हम इस डिक्शनरी को पॉपुलेट करते हैं और उसके बाद हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के मिनिमम वर्ड इन द डेटा सेट और मैक्सिमम वर्ड इन द डेटा सेट जो है वो फाइंड करते हैं। सो अगेन इसको हम कमेंट कर देते हैं, फाइंडिंग मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स इन डेटा सेट। ठीक हो गया। इस काम के लिए हमें पहले लूप लगाना पड़ेगा अक्रॉस ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो फॉर डी इन डॉक्स देन वील हैव टू separate that document into different words and then look into the words. So we will iterate through each document aur usko hum split karenge words mein based on the space character aur phir ek ek word ko parse karenge. So for word in d dot split तो ये हमें एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिटर्न कर देगा और हम उस लिस्ट में से एक एक वर्ड को पिक करेंगे। हम इसको अलग से एक वेरिएबल में भी रख के कर सकते हैं, बट देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट दिस वे। फिर उसके बाद उस वर्ड को हम चेक करेंगे अगर वो पहले से डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो इफ वर्ड इन वर्ड फ्रैक डॉट कीज, अगर उसकी कीज में, क्योंकि हमने पहले कहा था कि हम वर्ड्स को कीज पे रखेंगे, सो इफ दैट वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कीज तो हम क्या करेंगे, वर्ड फ्रैक एट वर्ड, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सो हम इसको प्लस इक्वल टू करके वन उसकी फ्रीक्वेंसी में एक एक्स्ट्रा डाल देंगे। एल्स में क्या करेंगे, इफ दैट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वी हैव एन एक्स्ट्रा डब्ल्यू हेयर, उसमें केस में हम करेंगे वर्ड फ्रैक, हम यहाँ पे वर्ड को की के तौर पे रख लेंगे एज ए न्यू एंट्री और उसकी वैल्यू जो है वो हम वन से इनिशियलाइज कर देंगे। सो हम पूरे डेटा सेट के सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर उसके अंदर सारे वर्ड्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर वो वर्ड पहले से हमारे पास इस वर्ड फ्रैक डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस वन कर रहे हैं, नहीं है तो हम उसको अपनी डिक्शनरी के अंदर डाल के उसकी फ्रीक्वेंसी को वन से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो वर्ड फ्रैक जो है इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, वी हैव ऑल द यूनिक वर्ड्स और उनकी एज कीज और उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एज वैल्यूज आ रही हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कहें कि द की फ्रीक्वेंसी क्या है,
हमारे पास वैल्यू जो है उसकी दैट इज़ 8, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड द। इस तरह से जो है हमारे पास ये डिक्शनरी तो बन गई है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड मोस्ट इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स इन द डेटा सेट। उसके लिए हम कुछ और वेरिएबल्स अपने पास डिफाइन कर लेते हैं। सो मिन फ्रैक इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी वर्ड है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको हम इस वेरिएबल के अंदर रखते हैं मिन फ्रैक के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम दें वर्ड फ्रैक और इसको हम कहें कि डॉट वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज पड़ी हैं, और अगर इसके ऊपर हम मिन का फंक्शन कॉल करें तो ये हमें उसमें से सबसे छोटी वैल्यू दे देगा। यहाँ पे आप देखें कि वर्ड फ्रैक डॉट वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें वर्ड फ्रैक डॉट कीज़ तो ये हमें सारी कीज़ दे देगा जो यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं इसको हमने यहाँ पे रिट्रीव किया और उसको मिन का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया, तो इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि 1 है, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वी हैव टू डू द सेम फॉर मैक्स फ्रैक, और इस दफ़ा हम मैक्स के फंक्शन को पास करेंगे और फ्रैक डॉट वैल्यूज जो है उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये हमें निकाल के दे देगा। ठीक हो गया, लेट्स चेक दैट आउट। मिन फ्रैक जो है इट हैज़ गॉट अ वैल्यू ऑफ 1 एंड मैक्स फ्रैक हैज़ गॉट अ वैल्यू ऑफ 8। यहाँ पे आप देखें कि 8 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। अब मिन फ्रीक्वेंसी पे और मैक्स फ्रीक्वेंसी पे मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। सो बेसिकली हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे एक ही वर्ड हो, तो हम उसके लिए लिस्ट बना लेते हैं और उसको हम कह देते हैं मिन फ्रैक वर्ड्स, जो एक लिस्ट होगा, और मैक्स फ्रैक वर्ड्स जो अगेन एक लिस्ट होगा। ये दोनों लिस्ट्स हमने बना लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर की इन वर्ड फ्रैक डॉट कीज़, तो हम अपने डिक्शनरी को ट्रेवर्स कर रहे हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ वर्ड फ्रैक, हम वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड जो है जिसकी जो हमारे पास यहाँ पे की में आ रहा है, इफ़ इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू मिन फ्रैक, तो क्या करें मिन फ्रैक वर्ड्स के अंदर उसको अपेंड कर दें, और किसको करें की को, क्योंकि की इज़ बेसिकली द वर्ड दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। एल इफ वर्ड फ्रैक की जो है इफ दैट इज़ इक्वल टू मैक्स फ्रीक्वेंसी, अगर किसी वर्ड की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कर रही है, तो मैक्स फ्रैक वर्ड्स जो है उसमें उस की को अपेंड कर दे। तो हमारे पास यहाँ पे वो वर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम को मैच कर रही है वो इस लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाई है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्स को मैच कर रही है वो इस लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे जो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वर्ड्स के लिए बनाई है। सो नाउ वी हैव टू लिस्ट, ईच हैविंग वन हैविंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स एंड द अदर हैविंग द मोस्ट इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स। अच्छा, मिन फ्रैक जो हमारे पास है 1, उसके अगेंस्ट हमारे पास मिन फ्रैक वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये हमारे पास वो सारे वर्ड्स हैं जो इस डेटा सेट में एक दफ़ा अपीयर हुए हैं। द सेम वे अगर हम यहाँ पे मैक्स के लिए देखें तो मैक्स फ्रैक, तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 8, और मैक्स फ्रैक वर्ड्स कौन से हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 है या मैक्सिमम है, तो वो एक द है और एक डॉट है, तो ये हमारे पास वो वर्ड्स हैं जिनको जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है। एक चीज़ आपको यहाँ पे आपने नोट की होगी कि डॉट जो है इट्स बीइंग आइडेंटिफाइड एज रिपीटेड 8 टाइम्स इन द डेटा सेट। अगर हम जब हम डॉट के थ्रू सेंटेंसेस काउंट कर रहे थे यहाँ पे ऊपर, तो उससे हमें पता चला कि हमारे पास टोटल 10 सेंटेंसेस हैं यूजिंग डॉट एज द इंडिकेटर फॉर द एंड ऑफ अ सेंटेंस, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 क्यों आ गई है। उसके लिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो जब हम डॉट को ऑब्जर्व कर रहे थे फॉर यूजिंग इट एज द एंड ऑफ अ सेंटेंस, तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रेवर्स कर रहे थे। सो ये सारे डॉट्स जो है उसमें फाइंड हो रहे थे, इंक्लूडिंग द वंस के जो कहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल दिस वन जो आई के साथ आ रहा है, सो ये भी काउंट का पार्ट बन रहे थे एंड दैट्स व्हाई द टोटल वेंट अप टू 10. जब हम वर्ड्स को काउंट कर रहे थे तो ये वाला डॉट तो एज अ डॉट काउंट हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं काउंट हो रहा बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आई और ये दोनों मिल के एक वर्ड बना रहे हैं. या द सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डॉट जो है ये वर्ड के तौर पे काउंट नहीं होता बिकॉज 1.33 इज अ वर्ड सेपरेटेड बाय द टू स्पेसेस. तो ये दो जो है यहाँ पे काउंट नहीं हुए एज वर्ड्स, तो इस वजह से हमारे पास डॉट जो है एज अ वर्ड 8 दफा अपीयर हुआ है. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट वर्ड इन आवर डेटा सेट. और फर्दर एनालिसिस जो है इस तरह के वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.